सीढ़ियों के रास्ते बीती देर रात चोरों ने एक मकान में बोला धावा की चोरी। थाना लाइनपार क्षेत्र नई आबादी शिवनगर का मामला। बताया 5000 नग व एक पैंडल लेकर भागी पुलिस को दी सूचना। फिरोजाबाद थाना लाइन पार क्षेत्र नई आबादी शिवनगर में चोरों ने एक मकान में सीढ़ियों के पीछे से चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान परिजनों को एहसास होने पर लाठी लेकर आए, तब तक चोरी कर भाग गए। बताते चले थाना लाइन पार क्षेत्र शिवनगर नई आबादी में चोरों ने यहां के निवासी राजेंद्र सिंह के मकान में सीढ़ियों के पीछे से बीती देर रात में धावा बोला और यहां चोरी की घटना को अंजाम दिया। परिजनों के अनुसार परछाई देखने पर लाठी डंडे लेकर आए, तब तक चोरी कर भाग गए। बताया चोर 5000 नग और एक पेंडल लेकर भाग गए। फिलहाल थाना पुलिस को अवगत कराया है। इसके अलावा कागज और खाली बैग घर के पास पड़े मिले और चोर के जूते भी वहीं पड़े मिले हैं, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है। नीलम जी, कौन सी जगह है, क्या मामला, क्या हुआ है? लैंड पार्क शिवनगर। क्या हुआ, क्या है यहाँ पे? चोरी हुई थी 1:12 पर। कैसे कैसे, मतलब आप कहाँ थे? हम लोग छत पर सो रहे थे। कहाँ से आया चोर? जीने के पीछे से, मतलब हमने कूद से हुए देखा है ना, ये नहीं मालूम कि किधर से चढ़ के आया है वो। तो क्या क्या चोरी हुई आपका? क्या क्या चोरी, एक तो मेरा सोने का पेंडल है वो चोरी हुआ है, और 5000 रुपए रखे थे वो चोरी हुए हैं, और कागज वगैरह ले गया था वो बाहर पड़े हुए। आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है कि इसमें बदमाश आ गए यहाँ से चढ़ के, जब मालम परी झीना पे चढ़ रहे हो, जब मालम परी उन्हें परछाई दिखी तो हम डंडा लेके भागे, इतनी देर में कूद के भाग गए। चोरी कर ले गए वो? हाँ, चोरी कर ले गए 5000 रुपए, एक पेंडल। कहाँ से कैसे आए, कोई जानकारी हुई? कोई जानकारी नहीं, दो थे, एक नीचे था एक अंदर था। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, सूचना दी, पुलिस आई मौके।